तो कोई मुझे ब्रीफ कर दो HTTP और HTTPS में आप लोगों को डिफरेंस क्या पता है? HTTP जो होता है उसको सिक्योर सर्विस सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ होता है, HTTPS को OSINT मिला हुआ होता है, इसलिए वो सिक्योर रहता है। इसमें से हमारा डेटा लीक किसी को भेजने का चांसेस बहुत कम होता है। अब क्या होता था, HTTP बहुत वास्ट सबने यूज़ किया है और बहुत लंबे समय तक HTTP यूज़ हुआ है। अब जैसे देख पा रहे हैं ये क्लाइंट है, क्लाइंट यूज़र हो गया और ये सर्वर है। अब यहाँ दिख रहा है सबको स्क्रीन पर, ये लॉग के अंदर एडमिन लिखा रहा है और PWD हम पासवर्ड के लिए, पासवर्ड जहाँ स्टोर होता है तो वो PWD फाइल में उसको शो करते हैं। तो इसका देखो पासवर्ड भी यहाँ आ रहा है, तो ये पासवर्ड आपको विजिबल हो रहा है इसके अंदर, यूजर नेम और पासवर्ड। यस। अब वहीं HTTP के केस पर हम देखेंगे तो ये इंक्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, ये कुछ भी हमें विजिबल नहीं होता, ये सिर्फ यूजर को और सर्वर में आके जहाँ पासवर्ड आपका फेल है सैम फाइल में वहीं से जाएगा, ऑथेंटिकेट करेगा कि हाँ पासवर्ड करेक्ट है, तो इसको मैच करके आगे वो फॉरवर्ड करके एक्सेप्ट कर लेता है। HTTP में वही मेन इशू, अटैकर आपकी इंफॉर्मेशन जान सकता है पर HTTPS के अंदर अटैकर को कुछ नहीं मिलेगा। ट्रांसपोर्ट SSL सबसे पहले 1994 में बननी शुरू हुई थी, नेटस्केप ने सबसे पहले बनाया था 1994 में, पर इसको कभी रिलीज नहीं किया। उसके बाद 1995 में इसको नेटस्केप ने ही वर्जन 1.1 रिलीज किया, नेटस्केप का वर्जन था 1.1। 1996 में SSL का वर्जन 3 नेटस्केप ने रीडिजाइन करके दिया, और 1996 से 99 के बीच में स्टैंडर्ड TLS का पहला वर्जन। अब ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी में जो की एक्सचेंज होता है वो कैसे होता है, क्लाइंट और सर्वर, जैसा कि मैंने इसमें बताया क्लाइंट है और सर्वर है, आप कोई भी अपना लॉगिन क्रेडेंशियल्स अगर डालते हैं तो सर्वर में जाएगा। सर्वर आपकी जैसे फोन डायरेक्टरी होती है, फोन डायरेक्टरी सभी ने देखी या सुनी है, फोन डायरेक्टरी में क्या होता है प्रोसेस, अगर फोन डायरेक्टरी में आपको अगर किसी को कॉल लगाना है तो आप डायरेक्टरी में सबसे पहले नाम ढूंढेंगे, नाम और एक नाम के बहुत से लोग भी हो सकते हैं तो उसको स्पेसिफाई करेंगे, मतलब एक ही नाम के, फिर बाद में इनिशियल्स अलग हो जाते हैं लास्ट में, पॉसिबल है। वो सर्च करने के बाद उसके सामने फ़ोन डायरेक्टरी में देखते थे जो फ़ोन नंबर है, हाँ ये सही है, ये मैच खा रहा है, तो फिर उसको डायल करते थे। यही सेम प्रोसेस सर्वर करता है, जब भी यूज़र कोई पासवर्ड डालता है, यूज़र नेम डालता है, तो वो सर्वर में जाता है, सर्वर अपनी डायरेक्टरी में चेक करता है। अब सबसे पहले वो क्या चेक करेगा, आपका यूज़र नेम चेक करेगा या पासवर्ड चेक करेगा, बताओ? पहले तो यूज़र नेम चेक करेगा। बिल्कुल, तो यूज़र नेम चेक करेगा, यूज़र नेम उसको मिल जाएगा कि हाँ ये यूज़र नेम मिल चुका है, मैच एक मैच हो गया। अब यूज़र नेम के आगे जो पासवर्ड सेव है सर्वर के अंदर, जो स्टोर है इंक्रिप्टेड फॉर्म में, वो उसे मैच करेगा। दोनों जब मैच कर जाएंगे, जो क्लाइंट ने दिया और जो सर्वर के अंदर यूज़र नेम पासवर्ड स्टोर्ड है वो मैच कर जाता है, तो सर्वर इसको आगे प्रोसीड कर देता है एक्सेप्टेंस देके, और वो लॉगिन
कर लेता है। दोनों साइड से होता है, दोनों साइड से क्यों, यूजर ने यहाँ डाला और सर्वर ने वहाँ पे वही सेम चीज मैच कर ली। अब क्रिप्टोग्राफिक कीज, सुना है किसी ने क्रिप्टोग्राफिक कीज के बारे में? क्रिप्टोग्राफिक कीज इसके बारे में सुना है किसी ने? क्रिप्टोग्राफिक कीज में क्या होता है, दोनों साइड पे एक पब्लिक की यानी एक सेम की यूज होती है। ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के काम आती है। अब इसको देखिए, क्लाइंट है, क्लाइंट ने यहाँ से हेलो यानी एक्नॉलेजमेंट भेजा, रिक्वेस्ट करी, रिक्वेस्ट करी, सर्वर सर्वर से हेलो हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, उसने एसएसएल सर्टिफिकेट उसका सर्टिफिकेट करके पास कर दिया। उसके बाद सर्विस की एक्सचेंज होता है, सर्वर की एक्सचेंज होता है, जो आपकी की है यहाँ पे पब्लिक की, यहाँ पे जिसकी वजह से की है की। अब आप यहाँ पे अपनी की डालोगे, की आपका पासवर्ड हो गया, आपने पास अपना की डाल दिया यहाँ पे, अब वही सेम की से इसको मैच करेगा, मैच हो जाता है तो आप अपने लॉग इन हो जाते हैं, आप अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ये है उस केस में जब आपके पास सिमिलर है, पब्लिक की है। फिर आते हैं इंक्रिप्शन की एक्सचेंज प्रोटोकॉल। आरएसए इंक्रिप्शन की प्रोटोकॉल उसके अंदर सिर्फ एक की यूज होती है, कौन सी की यूज होती है, सिर्फ पब्लिक की। इंक्रिप्शन के लिए सिर्फ पब्लिक की यूज होती है और सर्वर उसको डिक्रिप्ट करने के लिए एक प्राइवेट की यूज। पब्लिक की और प्राइवेट की, क्या ये दोनों की सेम होती है या डिफरेंट होती है? तो बताएगा वही मैं पूछ रहा हूँ, ये पब्लिक की और प्राइवेट की सेम होती है या अलग अलग होती है? तो ऐसे मानो आपने एक मैसेज लिखा, आपने वो मैसेज इनक्रिप्ट कर दिया, आपके पास जो की है उससे आपने इनक्रिप्ट कर दिया और आपके पास की है उसकी और आपने आगे सेंड कर दिया। अब सर्वर पे जहाँ वो मैसेज मिल चुका है, अब इनक्रिप्टेड मैसेज तो वो कैसे पढ़े, तो वो क्या यूज़ करेगा, एक डिक्रिप्टर यूज़ करेगा। अब डिक्रिप्टर के लिए उसके पास क्या है, प्राइवेट की है, प्राइवेट की से वो आपका मैसेज डिक्रिप्ट कर लेगा, उसको रीड कर लेगा और फिर फर्दर आपका कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। तो इस केस में बताओ पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों सेम होती है या डिफरेंट होती है? क्या सभी को ये लगता है कि पब्लिक की और प्राइवेट की सेम होती है? क्या सभी एग्री करते हैं ये सेम होती है पब्लिक की और प्राइवेट की? अच्छा ये बताओ पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी सेम होती है? नहीं सर, सेम नहीं। जब वो भी सेम नहीं होती तो ये कैसे सेम हो? पब्लिक की और प्राइवेट की दो अलग अलग कीज है, ये कभी भी सेम नहीं हो सकती। सर्वर के पास खुद की, जैसे आप देखते हो मास्टर की, एक सुना है अपने मास्टर की, हर लॉक की चाबी मास्टर की में होती है। हाँ होटल्स में सुनते हैं ना, होटल वाले मास्टर की यूज करते हैं, कोई भी अगर किसी का अपना की भूल जाता है, खो जाती है, तो उसको ओपन करवाने के लिए एक मास्टर की होती है होटल में, जिससे वो सभी के लॉक्स ओपन कर देते हैं, वैसे ही प्राइवेट की होती है। तो ये जब हम देखेंगे यहाँ इस कंडीशन में, यहाँ क्लाइंट कौन सी की यूज करेगा,
कौन सी की यूज़ करेगा यहाँ पे इंक्रिप्शन के लिए? पब्लिक की। और सर्वर उसको मैसेज को डिक्रिप्ट करने के लिए कौन सी की यूज़ करेगा? प्राइवेट की। और ये हमारी कौन से प्रोटोकॉल में होता है? आरएसए इंक्रिप्शन। दूसरा था डेफी हेलमेट एक्सचेंज। दोनों के पास सेम शेयर्ड वैल्यू होती है, यानी एक प्री मास्टर सीक्रेट। इस केस में क्या होता है? सेम की इंक्रिप्शन, तो दोनों साइड कौन सी की यूज होती है? इसमें दोनों साइड कौन सी की यूज होगी, पब्लिक की या प्राइवेट की? प्राइवेट नहीं, इधर एक पब्लिक की यूज होगी। सेम सिमिलर, मतलब क्लाइंट साइड भी आपकी प्राइवेट पब्लिक की रहेगी और सर्वर साइड भी पब्लिक की ही रहेगी। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? आपका जितना भी डेटा होता है, जितना भी तरह का आपका डेटा होता है, सब एन्क्रिप्टेड फॉर्म में रहता है, ताकि ये आपके डेटा की, आपकी इंफॉर्मेशन की कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखे। दूसरा, जितना भी आपके मैसेज ऑथेंटिकेशन, आपके जितने भी मैसेज हैं, उन सबको ऑथेंटिकेट करता है, एक ऑथेंटिकेशन कोड रन करता है अपने एल्गोरिथम से, ताकि आपके मैसेज की इंटीग्रिटी बनी हुई रहे। अब इंटीग्रिटी मैसेज में ऑथेंटिकेशन कैसे कर सकते हैं? क्या मतलब है इसका कि आपके मैसेज में ऑथेंटिकेशन कन्फर्म है? इसके हिसाब से क्या मतलब समझ रहे हैं इसका? कोई बताएगा? सभी सुन पा रहे हैं? इंटीग्रिटी से यहां क्या मतलब है? यहां पर इंटीग्रिटी से क्या कहना चाह रहे हैं? अगर आपके डेटा में या मैसेज में कोई भी कुछ रीराइट कर देता है, लिख देता है, चेंजेस कर देता है, तो क्या आपका वो डेटा आप इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, सेफ कह सकते हैं? नहीं। आपने किसी को मैसेज या लेटर, चिट्ठी एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, आपने किसी को लेटर लिख के भेजा, आपने लेटर में लिखा कि ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन है, ये बातें हैं, और फिर आपने पोस्ट कर दिया। अब बाद में कोई आपके उस चिट्ठी को खोल के उसके अंदर अलग से कुछ लेटर या इन्फॉर्मेशन या कोई भी बात अपना कंटेंट लिख दे, या आपके ऊपर किसी सेंटेंस को चेंज कर दे, तो क्या वो इंटीग्रेटेड है? नहीं है। तो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम इस बात की ऑथेंटिकेशन रखते हैं मैसेज में, ताकि आपका जो डेटा मैसेज कुछ भी डिलीवर हुआ है, उसमें कभी भी किसी तरह का कोई चेंज ना हो, वो इंटीग्रेटेड रहे। लास्ट आता है आपके की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स में, ये आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अगर मैं ही अगर आपके नेसेसरी इंफॉर्मेशंस को लीक कर रहा हूँ, आपका कोई भी लॉगिन क्रेडेंशियल्स किसी के सामने दे रहा हूँ, ईजीली किसी को एक्सेस करवा रहा हूँ, तो ऐसी वेबसाइट पे तो कोई एक्सेस करना ही नहीं चाहेगा। उसमें वेबसाइट की बदनामी अलग से,
जहाँ पे कोई डेटा स्टोर ही नहीं रख सकते, कोई ऑथेंटिकेशन ही नहीं दे सकते कि जो उनके यूज़र्स हैं वो सेफली यहाँ एक्सेस कर सकते हैं और सिक्योर्ड रह के इस कॉन्फिडेंस के साथ वो सर्फिंग कर सकते हैं कि उनका कोई डेटा स्टोर या शेयर नहीं हो, कोई डेटा शेयर नहीं हो रहा है। तो ये तीन चीज़ें आती है, कॉन्फिडेंशियलिटी कि हाँ आपका डेटा इंक्रिप्टेड रहेगा, इंटीग्रिटी कि आपके डेटा में कोई भी मैनिपुलेशन या चेंजेस नहीं होंगे, और ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन इन द सेंस आपकी जो भी की एक्सचेंज प्रोटोकॉल्स है, जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं, ये सब ऑथेंटिकेट रहेंगे, स्टोर्ड रहेंगे, किसी के साथ शेयर नहीं किए जाएंगे। अब की एक्सचेंज में कौन कौन से एल्गोरिथम्स यूज करता है, आरएसए बीएचसी, ऑथेंटिकेशन में भी आरएसए बीएसएस। अच्छा किसी ने देखा वाईफाई, अगर वाईफाई से हम कनेक्ट करते हैं तो वाईफाई की सिक्योरिटी में AES, WPS ये सब सिक्योरिटी देखिए किसी ने। सभी सुन पा रहे हैं? कभी देखा आप अपने वाईफाई में अगर कुछ कनेक्ट करते हैं या नया इस्टेब्लिश करते हैं तो कनेक्ट भी नहीं, अगर आप वाईफाई के किसी से कनेक्ट हो रहे हैं तो आप देख सकते हैं उसके सिक्योरिटी लेवल WPS, AES, WKS ऐसी सिक्योरिटी लेवल दिखते हैं आपको, वो आपके सिमेट्रिक साइफर होते हैं। सिमेट्रिक साइफर क्यों यूज़ होते हैं कि जब आप सिमेट्रिक यानी सेम की यूज़ करना, यानी पब्लिक की, जब तक आप सेम पब्लिक की जो जिस फॉर्म में है, अगर पब्लिक की का पासवर्ड है password@3421, जब तक आप ये पासवर्ड नहीं डालेंगे सेम, तब तक वो आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा। और डेटा इंटीग्रिटी के लिए होता है SHA-256, SHA-512, MD5। SHA होता है सिक्योर हैशिंग एल्गोरिथम और MD5 होता है मैसिव डाइजेस्ट। तो वायर शार्क किसी ने भी खोल के देखा, किसी ने भी खोल के देखा वायर शार्क? यस सर, देखा तो आप देख सकते हैं उससे सिमिलर। यहाँ कोई मुझे बता सकता है मुझे क्या दिखा रहा है? यहाँ आप देख पा रहे हैं कि किसी वेबसाइट पे या किसी सर्वर, किसी वेब पेज के सर्वर को मैंने एक्सेस करने के लिए, मैंने नहीं मेरे सिस्टम ने, नेटवर्क ने, तो देख सकते हैं एक हेलो पैकेट भेजा है। हेलो किस लिए? रिक्वेस्ट के लिए, रिक्वेस्ट के लिए भेजा है उसे। अब वहाँ से सर्वर से क्या रिप्लाई आता है एक्नॉलेजमेंट का, ये देख सकते हो TCP पे ये पोर्ट का प्रोटोकॉल SSL दिख रहा है। डेस्टिनेशन की IP भी आ रही है और सोर्स की IP भी आ रही है। क्लाइंट हेलो, हेलो यानी आपने भेजा रिक्वेस्ट, मुझे उससे वेब पेज से वेबसाइट से एक्सेस करना है। तो वहाँ से देख रहे साइफर से दिख रहा है TLS, ये TLS सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं विथ RSA एंड AES। दिख रहा है सभी को यहाँ पे RSA और AES सिक्योरिटी यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे सर्वर चूज करेगा कि आपकी सिक्योरिटी लेवल कौन सी रखनी है उसकी वेबसाइट के हिसाब से अकॉर्डिंग। तो आप किसी भी और वेबसाइट का साइफर सूट सिक्योरिटी चेक कर सकते हैं इस तरह से। Yes. इसके लिए आप ऊपर एक कमांड देख रहे हैं SSL.handshake, ये आप अपने फिल्टर में डालेंगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। SSL में चार कंपोनेंट्स पे निर्णय होता है, पहला प्रोटोकॉल कौन से प्रोटोकॉल पर काम करेगा, HTTP, HTTPS, कोई और प्रोटोकॉल की एक्सचेंज कैसी होंगी, आपकी पब्लिक की रहेगी दोनों साइड या पब्लिक प्राइवेट की रहेगी, हैश के इंटीग्रेशन के लिए और इंक्रिप्शन एल्गोरिथम्स या डेटा इंक्रिप्टेड होगा। बस एक एग्जांपल ये है, इसमें SSL यूज़ हुआ है, प्रोटोकॉल इसमें यूज़ हुआ है DHE, सॉरी प्रोटोकॉल इसमें SSL यूज़ हुआ है, की एक्सचेंज ये है DHE RSA विथ DES,
CVC और हैश इसमें यूज हुआ है SHA, उस तरह के SSL के सेट सूट्स के एग्जांपल है कि इस तरह के आपको किसी वेबसाइट पर बचा रहे हैं, देख रहे हैं, आपको देखना है कि वो कौन सा इंक्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं, कि ये एक्सचेंज कौन सा यूज़ कर रहे हैं, हैश फंक्शन कौन सा यूज़ कर रहे हैं, तो वो इस टेबल में से ही आपको मिल जाए कैसे होता है। एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है, आर एस ए की एक्सचेंज की बात करते हैं, आर एस ए में क्या होता है, आर एस ए की एक्सचेंज में विजिटर ने या क्लाइंट ने सर्वर से रिक्वेस्ट करी हेलो मैसेज भेज के, और वहाँ से उसको सर्वर एक रैंडम पब्लिक की सर्टिफिकेट भेजता है क्लाइंट को। क्लाइंट यहाँ पे अपनी पब्लिक की, यहाँ पे क्या आ गया रैंडम, कि आप लॉगिन करना है तो लॉगिन करने के लिए आपको रिक्वेस्ट, आपने रिक्वेस्ट करी कि मुझे लॉगिन करना है, और सर्वर आपको वहाँ से लॉगिन पेज पे आपकी डिटेल्स जानने के लिए भेज देगा। रैंडम क्यों, क्योंकि रैंडम इन द सेंस को मान लो नल, खाली, सब कुछ अपने लिए ब्लैंक आता है लॉगिन करने से पहले। कुछ प्री फिल्ड कभी किसी ने देखा कि लॉग इन पेज कर रहे हैं, प्री फिल्ड इन्फॉर्मेशन आती हो किसी के पास, उसने आपको भेजा। आप यहाँ पे आप क्या करोगे, आप अपनी लॉग इन क्रेडेंशियल्स डालोगे, यूज़र आईडी पासवर्ड, यानी आप अपनी यहाँ पब्लिक की सर्टिफिकेट शेयर कर रहे हो, वो सर्वर में उस पब्लिक की सर्टिफिकेट को मैच करेगा, आपका जो डेटा जो आपने इन्फॉर्मेशन दी वो इंक्रिप्टेड फॉर्म में सर्वर के पास जाएगी, इंक्रिप्टेड में। हम यहाँ पे इंक्रिप्टेड वर्ड क्यों यूज़ कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही क्यों जा रही है, डायरेक्ट क्यों नहीं जा रही प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में, वो बता सकता है मुझे? सुबह 9 इन द मिडल अटैक पड़ा था, उसको ध्यान में रखते हुए कोई मुझे बता सकता है हम सारा डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही क्यों हम भेज रहे हैं, प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में नॉर्मल फॉर्म में क्यों नहीं भेज रहे? सर अगर नॉर्मल फॉर्म में होगी तो कोई भी हैकर मेरा भी मिडल अटैक करेगा तो आसानी से वो डिटेल एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि अगर कोई मैन इन द मिडल अटैक कर भी रहा है तो हमें इजीली सबसे पहली चीज़ पता नहीं चल पाएगा कि हम मैन इन द मिडल अटैक में हैं। पता चल सकता है क्या आपको? नहीं सर, नहीं पता चल सकता, ये बड़ा बहुत बड़ा इशू है हम सबके साथ, सभी के साथ है। अब अगर हमने कोई इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में दे दी, सिंपली मैंने बता दिया कि भाई मेरा पासवर्ड ये है XYZ12345, तो उसके लिए तो सबको सामने आ गया, सिंपल देख लेगा वो जब चाहे, जो हमारा HTTP में होता है। यहाँ देखा था सबने, यहाँ यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सामने आए, यूज करते हैं और कोई HTTP वेबसाइट लॉगिन करके अपनी डिटेल्स डाल रहा है तो आप एट द टाइम उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स आप पोस्ट या गेट स्क्रिप्ट के अंदर देख सकते हैं। पर अगर हम ये फॉर्म ये सॉरी इस इंक्रिप्टेड फॉर्म में भेजते हैं तो हैकर को सबसे पहले तो इंक्रिप्टेड फॉर्म देखा, अब इंक्रिप्टेड किस फॉर्म में है ये हैकर पता लगा नहीं पाएगा, उससे पहले ही सर्वर हमारा इसको डिक्रिप्ट करके अपनी प्राइवेट की से डिक्रिप्ट करके आगे सेशन आपका स्टार्ट कर देगा। अच्छा, RSA की एक्सचेंज कितने की यूज़ होती है RSA के अंदर? RSA की एक्सचेंज में कितने की यूज़ होती है?
ये मैं बता चुका हूँ, आप लोग बताओ कितनी की यूज़ हुई है। बताएगा आर एस ए की एक्सचेंज में कितनी कीज यूज होती हैं। दो कीज यूज होती है, कौन कौन सी दो कीज यूज होती है? पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट, इस स्लाइड में आपको पब्लिक और प्राइवेट की कहाँ नजर आ रही है? तो ओनली पब्लिक की है थी। क्या ओनली पब्लिक की है थी? मतलब ओनली पब्लिक की है। देखो आरएसए की एक्सचेंज में हम दो कीज यूज करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट की। आपने आपका पब्लिक की दिया डाला, उसने आपका पब्लिक की एक्सेप्ट किया और अपना प्राइवेट की यूज़ करके, अपनी प्राइवेट की यूज़ करके आपका जो इनक्रिप्टेड डेटा था उसको डिक्रिप्ट किया और आपका सेशन स्टार्ट किया। अब आता है डिफी हेलमैन की एक्सचेंज, यह भी सिमिलर प्रोसेस है, बस इसमें डिफी हेलमैन और आर एस ए में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है, ये सिंगल एक की यूज़ करता है, पब्लिक की दोनों साइड सिमिलर की, सेम की यूज होती है। क्लाइंट ने ऐसे रिक्वेस्ट भेजी सर्वर को, सर्वर ने अपनी पब्लिक की सर्टिफिकेट भेजा कि भाई इस पता की है तो तुम्हें लॉग इन करके देंगे। क्लाइंट अपने पब्लिक की यूज करके आपकी डिटेल्स भेज देता है, सर्वर आगे मैच करके जो भी इंक्रिप्टेड डेटा आया है उसको डिक्रिप्ट करके सेशन स्टार्ट कर देता है। अब आरएसए में तो आपके दो चीज हो रही है, प्राइवेट डिफी हेलमेन में एक चीज होती है, तो सेफ कौन सा है? इन दोनों में सेफ कौन सा है? बल्कि डिफी हेलमेन में तो आपके सिग्नेचर, जो सिग्नेचर की है आपकी पब्लिक की, वो भी मैच होती है, जहाँ डिजिटल सिग्नेचर की बात आती है वहाँ सिग्नेचर की यूज होती है। डिफी हेलमेन अपना डिजिटल सिग्नेचर की पर बेस्ड होता है। अब मैं पूछ रहा हूँ यहाँ आर एस ए में दो की हमने यूज़ करी पब्लिक प्राइवेट, डिफी हेलमेन में हमने एक ही की यूज़ करी, तो इन दोनों में से सेफ कौन सा है? दोनों में से प्राइवेट की से अलग तो दोनों के पास अलग अलग चीज हुई, तो इंफॉर्मेशन अगर हैकर को किसी को मिलती भी हो तो भी डिक्रिप्ट करने के लिए उसको अलग अलग चीज चाहिए होती है, तो सर्वर अपनी की कभी शेयर नहीं करता है। की एक्सचेंज प्रोटोकॉल हम अपने देख चुके हैं, फेज वन एक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एस्टैब्लिश होती है, सर्वर ऑथेंटिकेशन करता है और की एक्सचेंज के लिए कि भाई की एक्सचेंज कीज दो हमें, क्लाइंट ऑथेंटिकेशन करता है कि हाँ मैं आपको कीज देता हूँ और वो अपनी की एक्सचेंज करता है, पब्लिक की या सिमिलर की दोनों प्रोसेस में बात करते हैं, अपनी की एक्सचेंज करता है और लास्ट में सर्वर उसको मैच करके फाइनलाइज करके हैंडशेक प्रोटोकॉल क्या होता है, यानी आपकी रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट और आपको उसकी रिक्वेस्ट अप्रूवल हो चुकी, एक्सेप्टेंस मिल चुकी, हाँ आप आगे लॉग इन कर सकते हैं, फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। आपको इसके अंदर हैंडशेक प्रोटोकॉल में जरा सर्टिफिकेट यूज किया है, सर्टिफिकेट
पर पब्लिक की, ये देखो इनपुट फॉर्म में दिख रही है पब्लिक की, सभी को दिख रहा है स्लाइड में? इस तरह के इंक्रिप्शन में आपकी पब्लिक की और प्राइवेट की कोई सी भी की होती है जाती पब्लिक की। अब इस तरह के अगर इंक्रिप्शन को आप सॉल्व करने भी बैठो तो क्या लगता है इसका क्या कुछ आउटपुट निकल सकता है, ढूंढ सकते हो उसके बारे में कि इसके पीछे क्या था? नहीं ढूंढ सकते, मुश्किल है वो। अच्छा अब क्या इसको मुझे बस पब्लिक की को देख के बताओ कितनी इसमें कितने कैरेक्टर्स होंगे, 20 से ज़्यादा होंगे तो क्या इतना बड़ा पासवर्ड है, इतना बड़ा पासवर्ड शेयर हुआ है क्या हुआ है? नहीं इतना भी बड़ा नहीं हुआ है। इतना भी बड़ा नहीं हुआ है किसी, अगर आप 10 डिजिट का भी पासवर्ड डालते हो और उसको इंक्रिप्शन की बनती है ना तो वो उससे 20 से 30 या मान लो 64 वर्ड्स के वर्ड्स और नंबर्स के कॉम्बिनेशन में उसकी इंक्रिप्शन की फॉर्म हो सकती है। अच्छा इसमें बताओ एल्गोरिथम कौन सा यूज़ हुआ है इंक्रिप्शन का, किसी को दिख रहा है? की एक्सचेंज प्रोसेस में एल्गोरिथम कौन सा यूज़ किया है? एल्गोरिथम यानी RSA किया है, डिफी-हार्मन किया है, AES किया है, DES किया है, कोई दिख रहा है किसी को? RSA बिल्कुल, RSA एन्क्रिप्शन इसमें यूज़ हुआ है। फेसबुक का सर्टिफिकेट है ये पब्लिक की का, कितने एक दिख रहा है 1024 बिट्स का है, RSA सर्टिफिकेट है पब्लिक की, और ये वैलिड कब तक है? 21/6/2012 से 1 जनवरी 2014। इसके बाद क्या होगा इस सर्टिफिकेट का, पब्लिक की का क्या होगा इसके सेशन के बाद? नहीं इस सेशन के बाद, इस सेशन के बाद इस सर्टिफिकेट का क्या होगा? ये एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा और इसी के जगह एक अपडेट में नया सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि फेसबुक कोई ऐसा एक्सपायरी डेट के साथ तो चलता नहीं कि इस दिन के बाद मैं अब नहीं चलूँगा, या आप सिर्फ 4 साल 2 साल ही मुझे एक्सेस कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको ऑथेंटिकेशन नहीं दूंगा कि आप मुझे एक्सेस करें, ऐसा सुना है कभी किसी ने? नहीं। तो जो सर्टिफिकेट्स होते हैं ऑटोमेटिकली आपके वेबसाइट्स के सर्वर से ऑटोमेटिकली बनके एक्सचेंज हो जाते हैं, ये प्रोसेस बैकएंड में हमारा नेटवर्क खुद कर रहा होता है क्लाइंट सर्वर के साथ, ताकि आपको इसके बीच कोई ट्रबल ना आए। अब ये सब एक्सचेंज तो सब सभी समझ चुके हैं, या इसको मैं और दोबारा से समझाऊं कि एक्सचेंज प्रोसेस में क्या होता है? कि एक्सचेंज प्रोसेस में सभी समझ चुके हैं या दोबारा किसी को डाउट है तो उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूं मैं? रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते, ठीक है। अब क्लाइंट हेलो भेजेगा, क्लाइंट ने हेलो भेजा, हेलो भेजने के बाद सर्वर हेलो मैसेज का रिप्लाई देगा, कैसे देगा कि सर्वर ने बोला हेलो, हाँ कनेक्शन एस्टैब्लिश होना स्टार्ट हो रहा है, अब वो भेजेगा अपने सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट किस लिए? ताकि आप लॉगिन हो सके, वाईफाई सर्टिफिकेट एस्टैब्लिश कर देता है। उसके बाद सर्वर हो गया, यहाँ मैंने ये डिटेल्स भेज दी है, अब क्लाइंट इसके अब एक्सचेंज में क्या करेगा, अपनी कीज एंटर करेगा, भेजेगा, जो कि क्लाइंट से जाएगी वेबसाइट के सर्वर में। चला गया, अब यहाँ पे क्या प्रोसेस होगा, ऑथेंटिकेशन चलेगा, तो आपने कीज
जो आपने की एक्सचेंज करी है वो मैच करती है हमारे किसी यूजर से या नहीं करती है? अगर मैच नहीं करती है तो क्या होगा? अगर हमारी गिवन की सर्वर के किसी भी यूजर से मैच नहीं करती है तो क्या आएगा, क्या मैसेज आएगा? बताओ। ऑथेंटिकेशन फेल है। ऑथेंटिकेशन फेल, लॉग इनवैलिड लॉगिन क्रेडेंशियल्स, इनवैलिड अकाउंट, रॉन्ग यूजर नेम और पासवर्ड, ये आएगा मैसेज आपके पास उस केस में अगर आपने गलत क्रेडेंशियल्स डालें तो? सही डालें तो लॉगिन, सीधा लॉगिन, लॉगिन के लिए आगे फर्दर प्रोसीजर जाएगा। अब मास्टर, आपने मास्टर सीक्रेट से लॉगिन इंक्रिप्टेड मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेना पड़ेगा। ये इंफॉर्मेशन आएगी ना उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड दोनों रहेगा, वो मैच करेगा। ये यूजर नेम है, ये मिल गया है, इसके सामने पासवर्ड, ये मैच करता है। अब स्पाइफर स्पेसिफिकेशन दोनों पार्टीज का चेक होगा, चेंज होगा। इसमें जितने भी हैश थे जो सर्वर पे हैं वो चेक होंगे, उनके कीज दोनों में मैच की जाएगी, ये सिमिलर है या नहीं है, देख सकते हैं। इससे एनक्रिप्टेड हैंडशेक मैसेज आया, उस हैंडशेक के अंदर आपका एनक्रिप्टेड एप्लीकेशन डेटा ये आ रहा है, इसकी लेंथ है 496। इस तरह के अलर्ट आपके पास इसके बाद आ सकते हैं अगर कोई भी इंफॉर्मेशन की गलत हो सकती है। सबसे पहले क्लोज नोटिफिकेशन, सेंडर अब कोई भी मैसेज नहीं भेज सकता है। फिर आता है अनएक्सपेक्टेड मैसेज, कोई गलत मैसेज रिसीव हो गया है। अब ये वैल्यू है, कभी देखते हैं कोड, कोड के साथ ही वैल्यू आती है, ये एरर आया है 10 नंबर का 20 नंबर का। अगर बैड रिकॉर्ड मैच यानी इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है, डिकम्प्रेशन फेलियर यानी डिकम्प्रेस प्रॉपर्ली ठीक से नहीं हो पाया है, हैंडशेक फेलियर हैंडशेक नहीं हो पाया, आपने कुछ डिटेल गलत दी है, नो सर्टिफिकेट, कई बार किसी ने देखा है नो सर्टिफिकेट का अलर्ट आता हो किसी को, ये किस केस में आ सकता है? नो सर्टिफिकेट, नो सर्टिफिकेट का एरर किसी को क्यों आ सकता है? कई बार हमने देखा है कोई हम वेबसाइट जगह ब्लॉक्ड कर लेते हैं, कोई कई स्कूल्स और कॉलेजेस में होता है कि वो कुछ वेबसाइट्स वेब पेज ब्लॉक कर देते हैं एक्सेस के लिए, तब क्या मैसेज आता है उस केस में? नो सर्टिफिकेट, क्यों? क्योंकि उस वेबसाइट को, वेब पेज को जब ब्लॉक ही कर रखा है तो एक टाइम के बाद वो कोई सर्टिफिकेट एक्सचेंज नहीं कर पाया है, यानी उसके पास इस वेबसाइट को लॉगिन करने का सर्टिफिकेट है ही नहीं, ये एरर आता है नो सर्टिफिकेट में। फिर आता है बैड सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट आपने भेजा हो वो करप्टेड है या पुराना है। अनसपोर्टेड सर्टिफिकेट, नॉट सपोर्टेड या किसी और वेब पेज का सर्टिफिकेट रिसीव हो गया है। अगर इनके अलावा कोई लास्ट स्टेप में क्या होता है, सब चेक हो गया, सब कुछ फाइनलाइज हो गया है, सारी डिटेल्स एकदम करेक्ट है, ये पर्सन ऑथेंटिकेट है, उसके बाद सर्वर आपको एक्सेस दे देता है, आप अपना डेटा एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं। एसएसएल रिकॉर्ड प्रोटोकॉल में क्या होता है, टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे रन करता है,
इंडिविजुअल मैसेज भी कैरी करता है। इसमें डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर्ड होती है, सिक्योर्ड होती है कि हाँ ये डेटा आपका जो भी है कॉन्फिडेंशियल है। और ये कौन सी चीज होता है, शेयर्ड कीज। शेयर्ड कीज में क्या होता है, शेयर्ड कीज में क्या होता है, दोनों तरफ सिमिलर कीज रहती है। अब डेटा इंटीग्रिटी भी इसमें इंश्योर्ड रहती है। जो शेयर्ड कीज रहती हैं वो डिफरेंट और यूनिक हो सकती हैं हर प्रोटोकॉल के हिसाब से हर सिस्टम में। टीसीपी/आईपी में कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटीग्रिटी कैसे काम करेगी। सपोज क्लाइंट एक पैकेट भेजा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 पे, तो सर्वर क्या करेगा, अपने वेब सर्वर के पोर्ट नंबर 80 पे तो डेटा भेज देगा। पोर्ट नंबर 80 पे उसको पता चला कि ये है बॉब पोर्ट नंबर 16। और कम्युनिकेशन में क्या होता है, तो सिंगल प्लेटफॉर्म में क्या होता है, क्लाइंट ने आपको ये डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 पे है मैसेज सेंड किया, ये वेब सर्वर के पोर्ट नंबर 80 पर जाएगा, यहाँ ये मैच करेगा, मैचिंग करने के बाद ये आपके पोर्ट नंबर 16 पोर्ट नंबर 16 से ये आपको आ रहा है, वहाँ एक सेकेंड मैसेज भेजेगा आपके डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 16। आज किसी को भी डाउट, किसी को किसी तरह का डाउट, कोई चीज समझ में आई हो, सबको समझ आ गया, सभी को SSL सबसे पहले कब डेवलप हुआ था, सबसे पहले कब डेवलप हुआ था, 1994 में नेटस्केप ने किया था, पर उसको कभी रिलीज नहीं किया, क्यों, क्योंकि वो अभी एक्सपेरिमेंट सेशन पर ही था, एक्सपेरिमेंट फेज पर ही था कि इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं। तो 1995 में नेटस्केप का 1.1 वर्जन निकला, सेकंड वर्जन, 96 थर्ड वर्जन, पुराने ही डिजाइन को रीडिजाइन करके खुद चेंजेस करके 96 से 92 में एक स्टैंडर्ड पीडीएस सपोर्ट सिक्योरिटी इंट्रोड्यूस। TLS की एक्सचेंज प्रोटोकॉल इसमें क्या होता है, TLS की एक्सचेंज में क्या होता है, वो इस डायग्राम से क्लाइंट कोई चीज के लिए रिक्वेस्ट करता है तो पब्लिक की और प्राइवेट की दोनों में क्या डिफरेंस होता है। सर जो पब्लिक की होती है वो हमारे पास होती है, जो प्राइवेट की होती है सर्वर के पास होती है, जो सर्वर के पास होती है वो मतलब कि सभी पब्लिक की को एक्सेस करने का मतलब जैसे कि मास्टर की तरह, तो मास्टर की तरह का रोल होता है। और ये पब्लिक की हम यूज़ क्यों करते हैं, ऐसी क्या नेसेसिटी है, क्या ज़रूरत है कि हम पब्लिक की या प्राइवेट की यूज़ करें। बताना चाहिए
डेटा सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए यूज़ कर रहे हैं कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं किसी और को हमारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर कल को मुझे आपके किसी भी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो मैं उसको एक्सेस कर सकता हूँ, जिसको चाहे जो मैसेज भेज सकता हूँ। सबको क्या लगेगा कौन भेज रहा है? आप भेज रहे हैं, जबकि यूज कौन कर रहा होगा? मैं यानी कोई हैकर हो गया। आरएसए में कितनी केस यूज होती है? आरएसए इंक्रिप्शन में क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम इस पर बेस होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन। CIA मॉडल पे बेस होता है आपका? कैसे, कौन समझाएगा मुझे CIA पे कैसे बेस्ड होता है? कौन एक्सप्लेन करेगा मुझे? कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और ऑथेंटिकेशन, कैसे ये तीनों चीज़ें इंश्योर कर रही है कि आपका जो डेटा है वो सेफ है, सिक्योर्ड है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स में? कैसे? आपका कोई भी डेटा है, जितना भी आप डेटा है आप शेयर करते हो, देखते हो, अगर वो एनक्रिप्टेड है जो कोई और नहीं देख सकता, आपके डेटा को सिर्फ आप देख सकते हो, तो कॉन्फिडेंशियलिटी है कि हाँ आपका जो भी डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो स्टोर्ड है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। फिर आपने जो मैसेज किया वो ऑथेंटिकेट है, यानी उसके अंदर कोई मैनिपुलेशन, कोई चेंजेस किसी ने नहीं किए हों, तो एक इंटीग्रिटी फॉर्म होती कि हाँ ये इंटीग्रेटेड है, ये जो भी लिखा गया है, भेजा गया है, वो मैंने भेजा है। मैं किसी को मेल भेज रहा हूँ और मेल कोई मेरे नाम से चेंज करके भेज देंगे या मेरे मेल में चेंजेस कर दे, तो क्या वो मेरा इंटीग्रेटेड सिस्टम रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। पर यहाँ क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स आपको ये इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवाते हैं कि जो आप लिख रहे हो, जो भी आप किसी को मैसेज आगे डिलीवर करना चाहते हो, वो सेम ही रहेगा, इंटीग्रेटेड रहेगा, उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। दूसरा ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन हमारी सिक्योरिटी के लिए कि हम लॉगिन कर रहे हैं कहीं पे, तो एक की एक्सचेंज प्रोटोकॉल यूज़ करके वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी और ऑथेंटिकेशन दोनों बनाए रखता है, अदर देन HTTP। HTTP में जहाँ आप HTTP वेबसाइट्स यूज़ करते हुए उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स देख सकते हैं। कोई डाउट किसी को की एक्सचेंज प्रोटोकॉल कैसे एस्टेब्लिश होता है, स्टार्ट कैसे होता है कोई भी की एक्सचेंज प्रोटोकॉल? कौन बताएगा? की एक्सचेंज प्रोटोकॉल क्लाइंट को भेजता है, करोड़ के पास मैसेज आता है, उसको चेक करता है कि उसके बाद किसी घंटे के लिए वो पेज क्लाइंट को, क्लाइंट ने सबसे पहले रिक्वेस्ट भेजी सर्वर पे, सर्वर ने रिक्वेस्ट के एक्सचेंज में उसको भेजा कि हाँ इस्टेब्लिश हो रहा है एक सर्वर, आप अपनी सर्वर ऑथेंटिकेशन और की एक्सचेंज दो। सर्वर ऑथेंटिकेशन में वो क्या मांग सकता है? सर्टिफिकेट। और की एक्सचेंज में आपके कीज यानी आपके क्रेडेंशियल्स हो गया, लॉगिन डिटेल्स हो गई, ये सब। क्लाइंट उसके एक्सचेंज में या उसके जवाब में अपनी ऑथेंटिकेशन देगा
और अपनी की एक्सचेंज करेगा। जब सर्वर के पास ये की और ऑथेंटिकेशन आपकी जाएगी तो वो मैच करेगा अपने सर्वर से, सही पाए जाने पे वो उसको कंफर्म करेगा और एक्सेप्ट करके आप उसके हैंडशेक प्रोटोकॉल स्टार्ट कर देगा और आप अंदर एक्सेस कर सकते। और कुछ किसी को पूछना हो? नहीं सर, हमें पीटी की अभी तक मिली नहीं। क्या सर, ये वाली जो पीटी थी ये वो हमें अभी तक मिली नहीं। नहीं मिली है? नहीं। ठीक है, ये मिल जाएगी आज। सर आप जो क्वेश्चन कर रहे हो, अगर हमारे पास पीटी की है तो हम पे प्रिपेयर रहते हैं, तो आपके क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं। हाँ नहीं,